अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तोफ़ाया अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदई फीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यिमा बकियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। करबला मौला, शब शहादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, सात सफ़रुल हुज़्न। आज की शब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत की शब है। और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हमारे वो दूसरे मज़लूम इमाम हैं जिन्हें शहीद किया गया, और उन इमामों में से जिन्हें जहर दिया गया पहले इमाम हैं, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। करबला मौला में मौजूद हैं आप सब की और आप सब के मरहूमीन की ज़ियारतों के लिए दुआगो हैं। छः सफ़रुल हुस्न 1445 हिजरी कमरी है, और बुध का दिन, चार मतहरीन अलैहिस्सलाम का दिन, इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज इन चार इमाम ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। 23 अगस्त 2023 ईस्वी है, और हम अपने एक प्रोग्राम की किस्त नंबर 1258 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद हैं खतीब अहले बैत अलैहिस्सलाम व शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद हुमायल अस्करी नकवी साहब लाहौर पाकिस्तान से, और नोहा खान जनाब मोहम्मद जुहैर भेमानी साहब कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम की अजीम नेमत पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शायर व खतीब अहले बैत अलैहिस्सलाम जनाब सैयद हुमायल अस्करी नकवी साहब लाहौर पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह या अली मदद। मौला अली अलैहि सलाम मदद, कैसे हैं जनाब अली जी? मौला का एहसान, हुजूर वाला खैरियत है, आपकी दुआएं हैं, मौला का करम है। इराक में आज की शब में शब शहादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम मनाई जाती है। आपकी खिदमत में और आप सब के साथ मिलकर इमाम वक्त की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ, और आप सैयद हैं, आपकी खिदमत में आपके जद की शहादत का पुरसा पेश करता हूँ। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करने के लिए अपने कलाम को हदिया कीजिए। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुत्तसकीना बिलायति अमीर मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज़ल फरजहुम लअनतिल दाइम अला आदाइ अजमाइन। सबसे पहले तो मैं परवरदिगार आलम का शुक्र के साथ मंजूर किया, और आपका शुक्र गुजार हूँ आपके पिछले पाक से बात का आगाज करता हूँ कि आप करबला में मौजूद हैं, करबला ही के हवाले से मैं अपने कलाम इनायत के कहां किसी बशरे बेवफा से मिलता है, अल्लाह कहां किसी बशरे बेवफा से मिलता है, तो रिज़्क़ आलम की हवा से। वाह 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 वाह। कहां किसी बशरे बेवफा से मिलता है, सुभान अल्लाह, तो रिज़्क़ अल्लाह की हवा से मिलता है। वाह वाह। जो फैज़ मिलता है यूसुफ नबी के कुर्ते से। वाह। जो फैज़ मिलता है यूसुफ नबी के पुत्र से, वो शाह की खाके शिफा से मिलता है।
वाह 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 फैज मिल नबी के कुर्ते से मुझे गुशाहत खाके शिफा से मिलता है, और ये साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि अली से लेता हूँ रोटी मैं अपने की। वाह अली से लेता हूँ रोटी मैं अपने से की, बशर से कहता हूँ मुझको खुदा से। वाह 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 अली से लेता हूँ रोटी मैं अपने बशर से कहता हूँ मुझको खुदा से मिलता है, और बता दिया है ये हुर ने सभी को घर। वाह बता दिया है ये हुर ने सभी को कर समझो ये करबला है यहाँ सब विला से मिलता है। वाह 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 बता दिया है ये हुर ने सभी को घर समझो करबला है यहाँ सब विला से मिलता है, और हिजाबे खालिक पर है सानिये ज़हरा। अल्लाहु अकबर बेशक हिजाबे खालिके अकबर है सानिये ज़हरा, तो फिर खुदा तो इन्हीं की रिदा से मिलता है। वाह 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 हिजाबे खालिके अकबर है सानिये ज़हरा, तो फिर खुदा तो इन्हीं की रिदा से मिलता है। रसूल पलटे जो मेराज से तो फरमाया। वाह वाह पलटे जो मेराज से तो फरमाया मेरे अली का तो लहजा खुदा से मिलता। वाह 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 रसूल पलटे जो मेराज से फरमाया मेरे अली का तो लहजा खुदा से मिलता है, किसी भी माल से इसको खरीद सकते नहीं। बेशक किसी भी माल से इसको नहीं कलम सना का हमाइल लता से मिलता। वाह 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 बेशक वाह 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 से इसको खरीदते नहीं कलम सना का हमाइल लता से मिलता। वाह 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 बेशक वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत प्यारा कलाम पढ़ा माशाल्लाह। अगर वक्त हो तो बिस्मिल्लाह हमें मुकद्दस में मौजूद तो जनाब मासूमा कुन सलामुल्लाह अलैहा के पाक नाम अलैहि सलाम की खिदमत में पेश करना। बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा बिस्मिल्लाह। सराय के तभी परवाज करता है मेरा ईमान मशान सुभान अल्लाह। जाहिर है इतना बड़ा मैंने दावा किया है तो फिर औजब होनी चाहिए कैसे परवाज तभी दे रहा हूँ तभी परवाज करता है मेरा ईमान के रहता है खुदा का बोलता कुरान मुशर्रफ। वाह 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 वा। तभी परवाज करता है मेरा ईमान मशहद में के रहता है खुदा का बोलता कुरान मशहद में, और इससे बड़ा शेर मेरी बयाज में मौजूद है नहीं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तभी परवाज करता है मेरा ईमान मशहद में के रहता है खुदा का बोलता कुरान मशहद। वाह 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 इसलिए खुदा से कह रहा हूँ हैं एक मशहद में तो क्या मुझको इजाजत है। वाह वाह अली हैं एक मशहद में तो क्या मुझको इजाजत है, खजालु मुस्तफा क्या मैं भी कुछ पालान मशहद में। वाह 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 अली हैं एक मशहद में तो क्या मुझको इजाजत है, खजालु मुस्तफा क्या मैं भी कुछ पालान मशहद में, और जो दस्तरखान खालिक पर तनावुल करना चाहता है। वाह जो दस्तरखान खालिक पर तनावुल करना चाहता है तो बन जाए रिजा मौला का वो मेहमान मशहद। वाह 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 बेशक वाह 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 दस्तरखान खालिक पर तनावुल करना चाहता है तो बन जाए रिजा मौला का वो मेहमान। वाह अगर मिल जाए मुझको मैं उनसे ले लूं मौलाए रिजा की वाह 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 मैं उनसे ले लूं मौलाए रिजा की मारिफत या रब, अगर मिल जाए मुझको हजरत सलमान बशर। वाह 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 मैं उनसे ले लूं मौलाए रिजा की मारिफत या रब, अगर मिल जाए मुझको हजरत सलमान मशहद में। वाह वाह फिर मैंने खुद मौला रिजा की बारगाह में
माहौल महसूस किया वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। कजा कजा मबहूत रहती है, शिफा मकरूज रहती है। वाह वाह। कजा मबहूत रहती है, शिफा मकरूज रहती है, वाह। कोई रहता है ऐसा ना खुदा सुल्तान मशान। वाह 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 वाह। कजा मबहूत रहती है, शिफा मकरूज रहती है, वाह। कोई रहता है ऐसा ना खुदा सुल्तान मशहद में। वाह। अली अली चेहरा है रब का और रजा मौला अली भी। वाह वाह। अली चेहरा है रब का और रजा मौला अली भी हैं। मैं जाकर देखता हूँ चेहरा ए यजदान मशहद। वाह 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 वाह। अली चेहरा है रब का और रजा मौला अली भी हैं। मैं जाकर देखता हूँ चेहरा ए यजदान मशहद। सुभान अल्लाह। हाथों पे मेरे नातिक, हाथों पे मेरे सामित, वाह। तो आंखों में मेरे नातिक, वाह। हाथों में मेरे सामित, तो आंखों में मेरे नातिक, खुदा ने दे दिए एक साथ दो कुरान मशाल। वाह 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 वाह। हाथों में मेरे सामित, तो आंखों में मेरे नातिक, खुदा ने दे दिए एक साथ दो कुरान मशहद में। और हमाइल शेर की दुनिया का किस तरह न महरम हो। सुभान अल्लाह। हमाइल शेर की दुनिया का किस तरह न महरम हो, दिया है तुझको मौला ने बहुत इरफान मशहद। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। शेर की दुनिया किस तरह न महरम हो, दिया है तुझको मौला ने बहुत इरफान मशहद। वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, मौला आपकी बरकात और इस प्यारी प्यारी तहरीरों में और आपकी इस जबान में मज़ीद तासीर और बरकत अता फरमाए। सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम फरमाते रहें, ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। ढेर सारी आपके लिए दुआएं हैं, आप कोमल मुकद्दसा में मौजूद हैं, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और हम आपके लिए यहाँ पे करबला मौला में दुआगो हैं। सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम फरमाते रहें, ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला का जिक्र पेश करने के लिए दावा देने का शरफ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा। आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुकद्दस महफिल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ खतीब अहले बैत अलैहिम सलाम और शायर अहले बैत अलैहिम सलाम जनाब सैयद हुमायल अस्करी नकवी साहब लाहौर पाकिस्तान से। सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम फरमाते रहें। खुदावंद मुताल आप पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। ज़िक्र अहले बैत अलैहिम सलाम का हमारे लिए अल्लाह तबारक व ताला की नेमत होता है, ये बात हम बार बार अर्ज करेंगे, बार बार महसूस करेंगे, बात बार बार बयान करेंगे कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिम सलाम हमारे लिए अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी नेमत हुआ करता है और है। अहादीस से भी साबित है और हमारे तजुर्बात से भी ये बात साबित है और हमारे ऊपर जो रहमतें नाजिल होती हैं इसके ज़रिए से, उसके ज़रिए से भी साबित है, क्योंकि ज़िक्र अहले बैत अलैहिम सलाम मजमाए जमीए सिफात है, बरकात इससे नाजिल होती हैं। आज 6 मुहर्रमुल हराम का दिन रहा और बुध का दिन रहा। बुध का दिन हमारे लिए यौम शुरू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, 2 दिन हफ्ते में शुमार किए जाते हैं। यौम शुरू यानी शुरू करने वाले दिन, जिन दिनों में काम को शुरू करना मुनासिब रहता है, मुनासिब होता है। एक तो एतवार के दिन को कहा जाता है, कुछ पीर के दिन को भी कहते हैं, और एक बुध के दिन को कहा जाता है। इन दिनों को यौम शुरू कहा जाता है, किसी भी नए काम की इब्तदा करनी हो इन दिनों में की जाती है। पीर और बुध के दिन हम एक अमल आपको पहले भी बता चुके हैं, दोबारा भी बताएंगे कि हमें थूरे तकासुर पढ़नी होती है 4-4 बार, जो रिज्क में इजाफे के लिए बेहतर होती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खां जनाब मोहम्मद जुहैर भीमानी साहब कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम जावेद भाई, कैसी तबीयत है आपकी? सलाम अलैकुम गाली मदद स्वामी। वालेकुम सलाम मौला अली मदद, आपकी दुआएं हैं, आप सुनाए आप कैसे हैं, खैराफियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपने एक दफा फिर मुझे मौका दिया।
मौला आपको सलामत रखें और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से ही मरबूत रहें। करबलाए मौला में आज 6 मुहर्रम 6 सफ़रुल हुज़्न का दिन गुजरा, शब 7 है और नजफ व करबला और इराक के अंदर 7 सफ़रुल हुज़्न को इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत मनाई जाती है। इसी मुनासबत से आपको भी तसलियत और ताज़ियत पेश करूँगा और इमाम वक्त की बारगाह में भी मिलकर ताज़ियत और तसलियत पेश करते हैं। अयाम आज़ाद तो वैसे ही हैं और अल्लाह ताला हम सब को अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़ा से वाबस्ता रखे। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है जो कि अज़ा के लिए मखसूस है, दुनिया में मशहूर है अज़ा का मरकज़ करबला। तमाम इमाम बारगाहें इसी की शबी की बुनियाद पर बनाई गई क्योंकि ये अक्सर बारगाहों में मेज़ रखी हुई होती है। बयान किया गया कि जब लखनऊ से बादशाह और नवाब आए, उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर 4 पिलर हैं और उनके ऊपर छत बनी हुई है, मेज़ की सी शक्ल में है। तो उन्होंने इसी की शबी के तौर पर वहाँ पर जाकर मेज़ को अज़ादारी के लिए करार दिया। बहरहाल अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मरहूने मिन्नत है। करबला में आवाज़ मौजूद है, मौला की बारगाह में हदिया अकीदत पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। जैसे कि आपने अर्ज किया कि 7 सफ़र और शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम मनाई जाती है रिवायत के मुताबिक, और यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो मशहूर वो 28 सफ़र है। बहरहाल एक रिवायत के मुताबिक 7 सफ़र भी शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। मैं जो है वो इमाम हसन के ही हाल पे जो है वो आपकी माफ़ी शुक्रिया करूँगा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद मुअज्जिल फरजहुम। आप साहिब इजाजत, बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। पर हसन हाय हाय अब पर हसन हाय हाय उम्मा मिटा हाय हाय उमा मिटा रही है आसार के पैसा रहे हैं पर हाय हाय रहे हाय हाय
पर हसन के और के टुकड़े उड़े गिरे बाबा के टुकड़े टूटे गिरे बाबा टुकड़े बदन के टुकड़े हाँ तेरे बदन के दिल रूपा उगलो दिल के टुक हाय हाय सदके उगलो दिल के टुक सदके हसन के गोचित सारा तन पर तो है हसन के गोचित सारा मोहता शबीर तो कफ़त मक़दा शबीर तो कफ़त पैसा रहे पर اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم माशाल्लाह मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। आपके पास 5 मिनट और हैं, अगर कुछ और इनायत फरमाना चाहें तो बिस्मिल्लाह। मैं आपसे कर देता हूँ माइक को जरा करीब कर लीजिए चेहरे के, आपकी आवाज अप डाउन हो रही है। अच्छा, ये देखिए आप कहीं, हाँ बस माइक के करीब आवाज आ जाए। बिस्मिल्लाह इनायत। अभी हाल ही में मुझको जिंदा निकालो भैया, मुझको जिंदा निकालो भैया, कम निकलता सकीना को बचा लो भैया,
मुझको दिन के अंधेरे निकालो मुझको लगता है मैं जिंदा मर जा लगता है कभी पाऊंगी मुझको लगा लो भैया हाय हाय मुझको जिंदा के अंधेरे से निकालो भैया हाय हाय और याद है भाई सकीना को वतन आता है हाय हाय भूखा आलम है यहाँ कब्र का सन्नाटा है मरना चाहूँ मैं नहीं मुझको संभालो भैया हाय हाय मुझको जिंदा के अंधेरे से नींद आती है मुझे कज़ा आती है दिन निकलता है यहाँ हवा आती है शमद के जला दो भैया समाचार को आ गया बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मैं तड़पती हूँ सुकून कल जला दो भैया खाने में सकीना का मोहिब ना अपनी आँखों में मुझको छुपा दो भैया हाय हाय वो जिंदा के अंधेरे सदा आबाद रहें सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम फरमाते रहें ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे ये बहुत प्यारे कलाम और बहुत प्यारी आवाज़ और बहुत खलूस के साथ आपकी शिरकत मौला की बारगाह में मकबूल हो जब जब मौका मिला मौला की बारगाह में जिक्र पेश करने के लिए दावत देने का शरफ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुकद्दस महफिल को आबाद रखेंगे सदा आबाद रहे आपका घराना सदा आबाद रहें आपकी नस्लें जिक्र व मारफत व मोहब्बत व इश्क अहले बैत अलैहिस्सलाम से सदा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत रहें आइए प्रोग्राम का आखिरी वक्त है मौला की शहादत का पुरसा पेश करने के लिए अपने वक्त के इमाम के ज़हूर की दुआ करें अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वली खल फरज Say